मैं कैसे भूलूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं कोई छोटी बात बताता हूं, गरीबी की बात बताता हूं कि मेरे पिताजी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय थे, एक टाइम खाना खा लिए, दूसरे टाइम खाना मिलेगा कि नहीं मिले वो जुगत और जुगाड़ नहीं था। मेरी मम्मी ये बैठी है, हमारी माताएं बहन देखती, मुझे लगता था एक दर्जन पेटी कोट की सिलाई करते तो 6 रुपया मिलता था, धागा अपना लगाते थे, ऐसे हाथ से कैंची से काटते थे तो हाथ में गांठ पड़ती थी, इतना सारा पेटी कोट का कपड़ा रख करके ऐसे कैंची से काटते समय हाथ में गांठ पड़ जाती थी। एक दर्जन पेटी कोट की सिलाई 6 रुपया मिलता था, धागा अपना लगाते थे। वो व्यक्ति आज इतनी बड़ी ऊंचाई पर, नंदीराम इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, नंदी ब्रांड, चावल दाल सीमेंट पत्थर और दो बार कैबिनेट मंत्री पत्नी मेयर। तो मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं, यहां बैठे हमारे सारे भाई बहन जो भी लोग हैं, जरूरी ये नहीं हमें विरासत में क्या मिला है, जरूरी ये है कि हम विरासत में क्या छोड़ जाते आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य। जब हम ऐसा सोचते तो हमें बहुत अंदर से शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती और हम काम करते और हम आगे बढ़ते। और आज की तारीख में मैंने कहा कि बचपन में एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि रात को अपने घर में टीवी देखते, दिन भर बेगारी करते थे कि रात को अपने घर में टीवी देखने देख क्या कूड़ा मिलने वाले लोग होते, गरीब बस्ती झोपड़ पट्टी बाहर रहते। वो कहता था मेरा कूड़ा फेंक के लाओ तो उसका कूड़ा लेके फेंका, वो कहे मेरा जूता पॉलिश करा के लाओ उसका जूता पन्नी में रख करके जाते थे चौक पे पॉलिश करा के ले आते। दिन भर बेगारी करते थे कि रात को टीवी देखने दे। एक दिन गलती से कोई गलती हुई होगी, हंसी की सीन आई, मैं जोर से आता, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था सटर वाला, वेस्टर्न या कौन ऐसी कंपनी का, मैं हंसा जोर से, उसने मेरा कान था, दो थप्पड़ मारा मुझे घर से भगा दिया। अब दो थप्पड़ मार के घर से भगा दिया, मेरे जीवन में यही था कि मैं रोता रहता तो क्या मेरे घर में टीवी आ जाता क्या। तो जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, तो परेशानी को जो आदमी चैलेंज लेता है, परेशानी को अगर हम परेशानी लेंगे तो उसी में डूब के मर जाएंगे, उसी में खत्म हो जाएंगे, लेकिन परेशानी को जब चैलेंज लेंगे, प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे, परेशानी से लड़ेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। उसने थप्पड़ मारा, मैं थोड़ी देर रोया, रोने के बाद थोड़ी देर बाद चुप हुआ, फिर लगा कि नहीं चलो देखते हैं, तो दरवाजा बंद था, उसकी खिड़की से बहुत सारे गरीब बच्चे देख रहे थे, मैं भी जाके ऐसे देखने लगा। जैसे ही मैं देखने लगा उसने खिड़की बंद कर दिया, थोड़ी देर आया रोया, लेकिन पापा से जिद करी। उस समय मेरे पिताजी पोस्टमैन थे, चिट्ठियां बांटते थे, डाकिया थे। पापा से जिद करी तो वो बेचारे जीपीएफ से कॉपरेटिव से पैसा निकाले, मुझे इस बात की जिद आई, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखने दिया, अब मैं लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा, कलर टेलीविजन और एक वीसीपी खरीदे, 120 रुपया मिलता था 3 पिक्चर दिखाने का, और आज उस थप्पड़ मारने वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर उसने मारा ना होता तो दिल में बात बैठती ना। जब भी दिल में कोई बात बैठती है तो आदमी आगे बढ़ता है, मन में मेहनत से दिल से लगाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो दिन और आज, हम 28 तारीख को, अभी तो 2 साल से नहीं गए, पिछली बार चुनाव था, इस बार मंत्री थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, नहीं गए। मैं लगातार कई सालों से 28 तारीख को दुबई जाता हूं और 8 तारीख को लौटता हूं। 28 को जब मैं दुबई जाता हूं, 29 का अनिल कपूर भी हमारे साथ थे, उनका बर्थडे, 31 तारीख को शाहरुख खान बड़े अदब से अपने घर में से लेके जाते हैं, ये मेरी पत्नी है गौरी खान से मिलवाता, वीडियो कॉन टीवी के मालिक वीनू गोपाल बोस जी, बृहस्पत था मेरा व्रत था, तो काजू और जूस लेकर के खड़े थे। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, एक बच्चा वहां से उठ करके यहां तक पहुंचा। तो मैं यही इसलिए कहता हूं कि जरूरी ये नहीं है विरासत में क्या मिला, जब इस बात को हम मन में गांठ बना करके रख ले। मेरे भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं कि जरूरी ये नहीं विरासत में क्या मिला है, बल्कि जरूरी ये है